कौन सी प्रोडक्ट चूज करें, इस प्रोडक्ट को किस तरह से मेंटेन करें, किस तरह से अपने बिजनेस की प्रोडक्ट को लाइफ लॉन्ग हम मेंटेन रख सकते हैं, ये सारे सीक्रेट्स आज के वीडियो में। सो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल एग्जिम मित्र कविता चुंचा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं दो तीन कुछ ऐसे टॉपिक्स पे, जो टॉपिक्स को लेके कई सारे वीडियोस हैं मार्केट में, जिन टॉपिक्स को लेकर कई सारे लोगों ने अपने पर्सपेक्टिव दिए हैं, बट वो सारे पर्सपेक्टिव एक कंजर्वेटिव एटीट्यूड से है, वो सारे पर्सपेक्टिव किसी ना किसी स्वार्थ के एटीट्यूड से है। मैं आज जो पर्सपेक्टिव लेकर आया हूं आपके सामने, वो पर्सपेक्टिव है कुछ नया, कुछ हटके, समथिंग फ्रेश, कुछ ऐसा जो शायद आपने सुना तो होगा बट उसको इम्प्लीमेंट करने से कहीं आप घबरा रहे होंगे। एंड यू नो व्हाट, डिजिटल एग्जिम इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। सो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए और प्रॉपर काम करने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट की। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ इसी प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस, या तो वो प्रोडक्ट होता है या तो सर्विस होता है। अ बिजनेस इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट और सर्विस दैट इट गिव्स। अब अगर आप किसी प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, अगर आप किसी सर्विस में काम कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को लेकर एक प्रॉपर हमें लाइफ साइकिल मेंटेन करनी होती है। उस प्रोडक्ट का हमें प्रॉपर इंटरनेशनल, नेशनल, डोमेस्टिक, लोकल मार्केटिंग करना होता है। सो ऐसे केस में किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल किस तरह से होती है एंड किस तरह से हम उसका इंटरनेशनल मार्केटिंग उसकी लाइफ साइकिल पे इंपैक्ट कर सकता है, ये हम आज बात करने वाले हैं। इसकी शुरुआत मैं करता हूं ये बात समझाते हुए कि इंटरनेशनल मार्केटिंग इज नथिंग बट बेसिक मार्केटिंग, बट जो कि हर एक देश में करी जाए, मल्टीपल कंट्रीज में करी जाए, तो उसे इंटरनेशनल कहा जाता है। दोस्तों ये जो ग्लोबल मार्केटिंग या इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये सब एक ही शब्द है। ये बेसिकली क्यों करना जरूरी है? क्योंकि किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है उसका मार्केटिंग। दोस्तों अगर किसी बिजनेस का बॉटम लाइन हम कहते हैं कि बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट, तो बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड इज मार्केटिंग। अगर आपका मार्केटिंग सही नहीं है, अगर आपके बिजनेस में मार्केटिंग का कोई रोल नहीं है, अगर आपका मार्केटिंग अच्छा नहीं है, सो देयर इज अ 90% या 95% चांस कि आपका बिजनेस क्रम्बल कर जाएगा, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। अपने बिजनेस को जिंदा रखने के लिए, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, अपने बिजनेस में से ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक अच्छे किस्म का मार्केटिंग करें। आपका जो भी मार्केटिंग हो वो इस लेवल पे हो कि आपका बिजनेस डे बाय डे ग्रो करे। ठीक है, तो मार्केटिंग से रिलेटेड तो हम कई बार बात करेंगे आने वाले समय में भी, हमने पास्ट में भी करी है, बट मैं आज आपसे जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि ये मार्केटिंग तब इफेक्टिव हो सकती है, ये मार्केटिंग तब अच्छा रोल प्ले कर सकती है जब प्रोडक्ट और उसकी लाइफ साइकिल को हम समझें। दोस्तों कोई भी एक प्रोडक्ट होता है वो इंटरनेशनल मार्केट में जब भी आता है तो वो अपने चार स्टेजेस में होता है। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर सैचुरेशन और फिर डिक्लाइन। दोस्तों ये जो चार स्टेज है ना, ये जो पांच स्टेजेस है ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर हम इसको समझ गए, अगर इन पांचों स्टेजेस पे हमने अच्छे से काम किया एंड ये पांच स्टेज हम समझ के फिर हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग इंप्लीमेंट करते हैं, तो फिर हमारे प्रोडक्ट को कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। दोस्तों बिजनेस उसकी प्रोडक्ट या सर्विस से जाना जाता है, तो इसी तौर से अगर हम देखें तो कोई भी प्रोडक्ट सबसे पहले जब मार्केट में नया आता है, यानी कि जब अपने इंट्रोडक्शन स्टेज में, यानी कि स्टेज नंबर वन में होता है, ऐसे समय पे मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, ऐसे समय में मार्केट में उसके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है, ऐसे समय में उसके ब्रांडिंग से ज्यादा उसकी मार्केटिंग और उसके फीचर्स पे आपको भार देना पड़ेगा। एंड ऐसे केसेस में प्रोडक्ट का सक्सेस या फेलियर अभी भी डिफाइन नहीं हो सकता है। क्या ये प्रोडक्ट चलेगा, इसकी डिमांड कितनी है, ना हम इसमें कोई स्टैटिस्टिक्स डिराइव कर सकते हैं, ना हम किसी भी तरह के किसी आंकड़ों पे काम कर सकते हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन स्टेज प्रोडक्ट का वो स्टेज होता है कि जब वो मार्केट में एक नए बच्चे की तरह जन्म लेता है, न्यू लॉन्च हो रहा है एंड अभी अच्छे से हुआ भी नहीं है, उसकी प्रोसेस चालू है। सो जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक कार्स है, राइट, सो ये जो इलेक्ट्रिक कार्स है ये एक इंट्रोडक्शन स्टेज में है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कार्स अब कितनी सक्सेसफुल होती है,
इसमें क्या क्या नए एडवांसमेंट हो सकते हैं, क्या इसमें ग्रोथ आ सकता है, ये सब देखने के लिए हमें अभी समय लगेगा, शायद 10 साल और निकल जाए, हम इलेक्ट्रिक कार्स का डेफिनेट फ्यूचर तभी जज कर पाएंगे। उसी तरह से मैं सेकेंड स्टेज बोलूँ तो वो है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज बेसिकली एक ऐसा स्टेज है जिसमें प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ही बढ़िया स्पीड से बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ रहा है एंड लोगों में उसकी अवेयरनेस बहुत ही फास्ट स्प्रेड हो रही है। ये एक ऐसा स्टेज है कि जब उस प्रोडक्ट को लेकर लोगों में नया उत्साह जग रहा है, ऐसे स्टेज में आपका जो मार्केटिंग कनेक्टेड होगा, आप जितना भी मार्केटिंग इस प्रोडक्ट के लिए कर पाएंगे वो मार्केटिंग सारा कनेक्टेड होगा आपके प्रोडक्ट के ब्रांडिंग पे, क्योंकि प्रोडक्ट अब ग्रो हो रहा है, लोगों को उसका प्रोडक्ट का यूजेज समझ में आ रहा है, स्लोली स्लोली कंप्यूटर्स बढ़ रहे हैं, अभी उतने ज्यादा कंप्यूटर्स बढ़े नहीं है बट स्लोली स्लोली कंप्यूटर्स मार्केट में आ रहे हैं। तो अब लोगों को ये पिच करने की जरूरत नहीं है कि क्यों आपको ये लेना चाहिए, आपको अब लोगों को ये पिच करने की जरूरत है कि मेरा प्रोडक्ट आपको क्यों लेना चाहिए, वाई थ्रू मी, यानी कि आपको अपना ब्रांडिंग बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे केस में आपके प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन स्टेज से बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया मार्केटिंग स्टाइल में। दोस्तों मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी बिजनेस हो वो मार्केटिंग से चलता है, एंड अगर प्रॉपर मार्केटिंग आपने कर दिया है अपने बिजनेस के लिए तो फिर उसके बाद तो सारे प्रॉफिट्स आपके एंड सारी सक्सेस आपकी। तो ये मार्केटिंग कैसे डिफाइन करनी है, किस लेवल की मार्केटिंग हमें करनी है, ये डिसाइड होगा आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से, आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज पे है। तो इसी हिसाब से हमारा जो थर्ड स्टेज आता है वो है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहां पे कॉम्पिटिटर्स खूब सारे आ चुके हैं, जहां पे प्रोडक्ट का प्राइसिंग हमें थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा, जहां पे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में भी पता है, लोगों को आपकी कंपनी के बारे में भी पता है, लोगों को सारे कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी पता है एंड लोग इस प्रोडक्ट के बारे में अब सब कुछ जान चुके हैं, अब कुछ नया बताने के लिए नहीं है। ऐसे केस में आप मार्केटिंग कैसे करोगे, ऐसे केस में आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाओगे, क्योंकि अब तो सेल्स भी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैच्योरिटी स्टेज में सेल्स का ग्रोथ का जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ऐसा फेज आना शुरू हो जाता है जिसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं रेगुलर सेल्स अचीव करने के लिए, बट टिक जाता है, ज्यादा कुछ लंबा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे केसेस में यानी कि मैच्योरिटी के केसेस में हमें मार्केटिंग इस तरह से करना है कि हम फ्री ऑफर्स देना कुछ चालू करें या साइड बाय साइड कुछ एड ऑन देना चालू करें या लोगों को एक्स्ट्रा सर्विस देना चालू करें ताकि लोग हमसे अट्रैक्ट और हमारी प्रोडक्ट परचेस करें। इस केस में डिस्काउंट्स एंड अट्रैक्शन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा जब आपकी प्रोडक्ट होगी तीसरा स्टेज यानी कि मैच्योरिटी स्टेज में। दोस्तों ये हमें ले जाता है हमारे चौथे स्टेज की तरफ जो है सैचुरेशन। अब प्रोडक्ट का धीरे धीरे सैचुरेशन आ रहा है, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स खूब बढ़ चुके हैं, उसकी सप्लाई भी बहुत बढ़ चुकी है, काफी अच्छे लेवल पे इसकी सेल्स पहले हो चुकी है, लोगों ने ये प्रोडक्ट यूज कर लिया है एंड अब इससे उब रहे हैं। ऐसा मैक्सिमम ऐसे केसेस में आता है जहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत फास्ट आते हैं, ऐसा मैक्सिमम ऐसे केसेस में आता है जहां पे टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सारे चेंजेस आते हैं या तो फिर उस प्रोडक्ट में बहुत जल्दी ही कोई रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट आ जाता है। सो ये जो स्टेज है आपका सैचुरेशन का स्टेज, यहां पे सेल्स डिक्लाइन होना चालू हो जाता है, यहां पे आपके प्रॉफिट मार्जिन एकदम थिन होने चालू हो जाते हैं एंड यहां पे जरूरत पड़ती है कि आप प्रोडक्ट के अंदर या तो नए फीचर्स लॉन्च करें या तो पूरा नया प्रोडक्ट ही लॉन्च करें या इस प्रोडक्ट का नया वर्जन, नया वेरियंट, नया ग्रेड कुछ तो अलग लॉन्च करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट अब अपने सैचुरेशन में जा चुका है। सैचुरेशन में सेल्स के ऊपर काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एंड कुछ लेवल अगर सैचुरेशन में रहा प्रोडक्ट तो वो उसे अपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा जो है डिक्लाइन, यानी कि पांचवा स्टेज। दोस्तों ये जो अबैंडनमेंट वाला स्टेज है, डिक्लाइन वाला स्टेज है, पांचवा स्टेज है, ये पांचवें स्टेज के बाद आपके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल खत्म। अब ये प्रोडक्ट ऑब्सोल्यूट हो चुका है, अब इसकी मार्केट में बिल्कुल डिमांड नहीं है, आप कितने भी अट्रैक्टिव ऑफर्स दे दीजिए, आप मार्केटिंग के नाम पे कुछ भी कर लीजिए, अब इसका सेल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो टाइपराइटर्स, तो आज के जमाने में अभी टाइपराइटर्स का सेलिंग करना मे बी कोई उसकी सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए परचेस करेगा या तो अपने घर पे रखने के लिए, शो ऑफ के लिए, एज विंटेज पीस, एंटीक पीस, बट उसका बल्क में सेल्स करना इट इज समथिंग वेरी मच डिफिकल्ट। आज से शायद 1-1.5 साल बाद, और या तो मैं कह सकता हूँ कि अभी ही लैंडलाइन फोन्स की भी ऐसी कुछ हालत है, कॉर्डलेस फोन्स की भी ऐसी ही कुछ हालत है। अब ज्यादा से ज्यादा कॉर्डलेस फोन्स यूज होते हैं इंटरकॉम के लिए, लैंडलाइन फोन्स यूज होते हैं इंटरकॉम के लिए, बट पहले जैसे था कि हर किसी के अगर ऑफिस लिया है नया या घर लिया है तो लैंडलाइन नंबर आ ही जाता था, वैसा तो अब होने नहीं वाला है। सो डिक्लाइन स्टेज पे अगर कोई प्रोडक्ट आने वाला है उसके कुछ समय पहले, इनफैक्ट बहुत ज्यादा समय पहले
हम नए प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर दे ताकि हमारा बिजनेस अटके नहीं। डिजिटल एग्जिम में मैं आप सबको एक ही बात सिखाता हूँ कि अपने साथ तीन प्रोडक्ट लेकर चलिए, एक मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, एक बैकअप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट और एक इम्पोर्ट प्रोडक्ट। दोस्तों हर एक चीज में अपना हाथ डाल के बैठेंगे तो ही ऐसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कोई भी स्टेज अचानक से अगर आ जाता है, अचानक से आपकी प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप कहीं अटक ना जाओ। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, वेडिंग इंडस्ट्री। ये कोरोना जब से आया है, वेडिंग इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट हथियार जो है वेडिंग कार्ड्स, लोगों ने वेडिंग कार्ड्स देने पहले ही कम कर दिए थे, पर अब तो बिल्कुल कम हो चुके हैं। ये जब से कोरोना का इम्पैक्ट आया है तब से ये इंडस्ट्री का अचानक खात्मा हो गया एंड अब उनको शिफ्ट करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक वेडिंग कार्ड्स की तरफ। सो ये सारी चीजें कुछ अलग संदेशा लेकर आ रही है, कुछ अलग अंदेशा लेकर आ रही है। आपकी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिफाइन कीजिए। अगर कहीं पे भी अटक रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे एक्सपर्ट्स का संपर्क कीजिए नीचे दिए गए हुए नंबर्स पे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, डिजिटल एग्जिम जो आपको देता है एकमात्र भारत में एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आपके प्रोडक्ट पे आपके पास काम करवाता है। सो इस जर्नी में हमारे साथ जुड़िए, हमारे प्रोडक्ट के वीडियोस में हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए। मैं आपका डिजिटल एग्जिम मित्र रोज कई सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें लेके इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, इन तीनों का समन्वय करके आपके बिजनेस को शुरू करना है और उसे आगे बढ़ाना है प्रॉफिट की तरफ। मेरे साथ जुड़े रहिए, हम अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।